हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी सोमदीप नंदन, यू गाइस आर वाचिंग टेक मैन यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली मैं अभी अपना S23 से शूट कर रहा हूँ, और ये जो शूटिंग है पूरा होगा विदाउट गिम्बल, विदाउट माइक, सब कुछ। जितने भी साउंड आपको आ रहा है ये इस पर्टिकुलर डिवाइस के जो भी माइक है उसी से आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग चेक कर पाओगे कि इसका स्टेबिलिटी कैसा है, इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, अगर हम किसी भी मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं तो उस पर कितना आपको फ्रेम ड्रॉप वगैरह दिख रहा है, सब कुछ। मैं बेसिकली अभी अल्ट्रा एचडी पे शूट कर रहा हूँ ये वीडियो। तो अभी यहाँ पे मेरे साथ मेरा भाई भी है, तो हम दोनों जा रहे हैं इस पर एक्सपीरियंस करने के लिए और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप लोग कभी भी S23 बाई करते हो तो आप लोगों को किस टाइप का वीडियो क्वालिटी मिलेगा। तो चलो हर एक वीडियो क्वालिटी को चेक करेंगे, और सबसे मेरा फेवरेट जो वीडियो है क्वालिटी है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जब भी हम गाड़ी से जाएंगे, अगर हम पीछे से इसका वीडियो करते हैं तो इसका स्टेबिलिटी कैसा रहता है। तो चलो चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सो दोस्तों, अभी जो वीडियो आप लोग देख पा रहे हो ये हम लोग शूट कर रहे हैं अपने ऑन द गो स्कूटी राइड पे। यहाँ पे भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप का आपको स्टेबिलाइजेशन मिलता है, साउंड क्वालिटी कैसा आता है। और यहाँ पे ये जो डायरेक्टर्स मोड है ना, ये मेरा सबसे पसंदीदा मोड है, बिकॉज इससे मैं बैक कैमरा एंड फ्रंट कैमरा दोनों ऑन करके बात कर सकते हो, तो इससे मेरे को देखने में भी आसानी हो जाता है। तो अभी हम लोग हाई रोड, मतलब बेसिकली हम लोग का यहाँ पे जो मेन रोड है उस पर आ गया है। वहाँ पे आप लोग क्या देख पा रहे हो कि बहुत सारे ऐसे स्पीड ब्रेकर वगैरह है, गड्ढा वड्ढा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वीडियो पे कोई भी शेक आपको शायद देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इस पर आप लोगों को पता चल रहा है कि किस टाइप का स्टेबिलाइजेशन आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ ये जो स्मार्टफोन है ना, इस पर आपको किस टाइप का माइक मिलता है ये भी आपको पता चलेगा। तो इस टाइप का कुछ वीडियो आप लोग जब भी वीडियो ऑन द गो आपके बाइक राइड पे, स्कूटी राइड पे वीडियो बनाओगे, तब कुछ इस टाइप का वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये मैं पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि मेरे पीछे का जो भी सीनरी है वो किस तरीके से ब्लर हो रहा है। काफ़ी बढ़िया आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद मैं अभी ये जो कैमरा है इसको मैं सामने वाले कैमरे से, मतलब पीछे वाले कैमरे पे शिफ्ट कर लूँगा, तब भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये जो पोर्ट्रेट मोड है ये किस तरीके से काम करते हैं। तो चलो पीछे वाले कैमरे पे स्विच करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से ये ऑटो फोकस तो कर ही लिया है, और साथ में ये किस तरीके से अपना जो है पोर्ट्रेट मोड को भी कैप्चर कर रहा है। यहाँ से जो है मेरा भाई ये स्कूटी चला रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हो कि किस तरीके से एज वगैरह को ये डिटेक्ट कर रहा है और कैसे ऑटो फोकस करके अपना काम कर रहा है। शायद हो सकता है कि हवा के कारण जो है मेरा साउंड आपको अच्छे से सुनने को ना मिले, बट फिर भी आपको पिक्चर क्वालिटी शायद दिख रहा होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके का पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पे या वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिला। और एक आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि जब भी आप ऐसे स्मार्टफोन को यूज़ करोगे तो उसका किस टाइप का आपको क्वालिटी मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने हर एक तरीके का वीडियो फॉर्मेट पे वीडियो देख लिया है, तो फाइनली अभी थोड़ा शाम हो चुका है, तो मैं सोचा क्यों ना एक बार नाइट मोड का वीडियो ऑप्शन भी आप लोगों को दिखाया जाए कि जब अंधेरा हो जाता है, लाइट कम रहता है, तब किस टाइप का वीडियो आता है। तो जब भी आप नाइट मोड पे जाके अपना वीडियो वगैरह शूट करते हो, लाइक कभी भी आप व्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको कुछ इस तरीके का वीडियो शॉट आएगा, या अगर फ्रंट कैमरा से कर रहे हो तो उस टाइप का। और अभी जो क्वालिटी आप लोग देख रहे हो ये रात के टाइम मैं अपने फ़ोन के बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ, और कैमरा क्वालिटी आप लोग देख पा रहे हो किस तरीके का। अगर प्रॉपर लाइट मिलता है तो रात का वीडियो भी क्रिस्टल क्लियर आता है, काफ़ी बढ़िया आता है। तो मैं बोलूँगा अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत जो है नॉइज़ आपको देखने को मिल सकता है वीडियो पे, बट अगर आप बैक कैमरा से शूट कर रहे हो वो भी आपको अगर प्रॉपर लाइटिंग वगैरह मिल रहा है तो आपको जो क्वालिटी मिलेगा वो काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। तो मेरे को तो दोस्तों जितने भी मैंने क्वालिटी मैंने देखा है तो मेरे को तो काफ़ी बढ़िया लगा। और यहाँ पे आप लोग आराम से, अगर आपको कैमरा की तरफ से देखना, कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचिए वाले स्मार्टफोन लेना है कि नहीं, तो आप आराम से इसको ले सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है।